हेलो गाइस गाइस, यहाँ पर आप DU रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड करते के बाद जो है आपका DU स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क नहीं करता, वॉइस की प्रॉब्लम दिखाता है या फिर जो आपकी स्क्रीन है वो फुल सपोर्टेबल नहीं दे पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सिंपल ही स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा DU स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। तेरे गाइस सेटिंग्स, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर मिलेगा हमें ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है। ऐप्स को जैसे ही खोलेंगे तो हमें यहाँ पर नीचे DU स्क्रीन रिकॉर्डर दिखेगा, उसको खोल लेना है। यहाँ पर DU रिकॉर्डर है, इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका डेटा क्लियर कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद बैक आना है, परमिशंस में जाना है और परमिशंस पे सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बैक आना है, अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कर लेना है और खोलना है, तो आपको यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये फिर देखने को नहीं मिलेगी। जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी आपको पर्टिकुलर एक ही प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।